आज कौन सा त्योहार है भाई? ये नई बाइक ली है मैंने। ये लो तुम भी कहो। थैंक यू सर। वेलकम। हे क्या कर रहे हो इधर? सॉरी सर, सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। फिल्म पूरी देख ली क्या? टाइटल से पूरा देखा सर। मेरा रोल कैसा था सर? आपका नाम तहलका सुब्बा राव है। इस CNG टीवी के ऑनर के साले हैं। ऑफिस के हर काम में आप उंगली करते हैं। मतलब आपके बिना कोई काम ही नहीं हो सकता। और सर आपको अगर गुस्सा आ गया तो आप किसी को भी नहीं छोड़ते, उसकी वाट लगा देते हैं, आप उसकी जान भी ले सकते हैं सर। तो वो मुझे पसंद आया सर। उससे आखिर मैंने क्या ज्यादा मांगा? सिर्फ 500 रुपए ही ना। ससुर नहीं दिया, अब 5,000 का फटका पड़ेगा तब बुद्धि खुलेगी। तू समझ गया ना? 200 रुपए उधार दे सर। पैसा पैसा तो नहीं है सर। उसने भी सेम डायलॉग मारा था, देखा ना क्या हुआ। सर देता हूँ सर, ये लीजिए सर, इसको मिलाकर 850 रुपए आपको दे चुका हूँ सर। वेरी गुड। इस ऑफिस में सब तेरे जैसे समझदार हो जाए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अपने जीजाजी से कहकर मैं तुम्हें परमानेंट करवा दूंगा। उधार मांगू तो देते रहना। सुष्मिता। यस सर। मेरे लिए कोई फोन आया था? आया था सर। CM का था या PM का था? रात में आप जिस बार में पीकर गिर गए थे वो जल्दी बिल भरने के लिए कह रहा था, नहीं तो आपको जान से मार देगा। आई सी। आज के बाद मेरे कोई कॉल रिसीव मत करना। रिसीव करने के बाद ही पता लगता है कि आपका फोन है सर। पता चले तो भी भूल जाना। ओके सर। नमस्कार, CMG न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। अगले हफ्ते CM की बैठक, राष्ट्र में तेज बारिश होने की संभावना, राष्ट्रपति के विरोधी पक्ष में झगड़े, जमाल के घर पाक राष्ट्रपति की मुलाकात, तेलकी को 25 तक कस्टडी में रखा जाएगा, बिहार के कई प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, पूरे देश में आज हर्ष उल्लास से गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया गया। कट, न्यूज चल रही है, आप बीच में क्यों घुस रहे हैं सर? अरे तू चुप कर बे, मेरी इतनी प्यारी बोतल नहीं मिल रही है, इधर ही तो थी। मिली मिली, देख मिली के नहीं, बहुत बोल रहा था। तुम अपना चालू रखो, ये लो न्यूज पेपर पढ़ के खबर पढ़ा करो, वही पुरानी खबरें दिख। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो बकबक करता है तो तुम लोग क्या करते हो? तुम लोगों की बुद्धि घास चरने की है क्या? फोन रखो रास्कल। गुड मॉर्निंग जीजाजी, क्यों मुझे बुलाया था क्या? बुलवाया था। मे आई हेल्प यू? छिछी बास मार रहा है कोई, सुबह सुबह 10 बजे दारू पीकर ऑफिस में आता है क्या? 10 बजे पीने वाले पागल होते, इसलिए 6 बजे ही चढ़ा ली। वैसे आपने क्यों बुलाया था? तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ इसलिए बुलाया। रहने दो जीजाजी, शादी में दे देना। बैठ चुपचाप। तुझे कोई काम धाम तो आता नहीं है? और अगर कोई काम दो तो तू उस काम का बैंड ही बजा देता है। मैंने क्या गलती कर दी जीजा? क्या गलती की? तेलुगु देशम के राजशेखर रेड्डी, कांग्रेस के चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर ये बुलवाया तुमने? तो क्या गलत की? आजकल किसी का भरोसा नहीं है ना। बकवास बंद कर। लोग बता रहे थे तू कल रात शकीला के पीछे ही पड़ गया था। तू तो बोल रहा था कि मुझसे शादी करो, इसका क्या मतलब है? वो उसका अकेलापन ही देखा जा रहा था इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। आई अप्लाई अप्लाई बट नो रिप्लाई, क्या करूं? छिछी उम्र बढ़ती जा रही है पर तेरा दिमाग नहीं बढ़ा। जीजा उम्र बढ़ गई का ताना मारते रहते हो। आपको पता है उम्र के साथ साथ शरीर में और क्या क्या बढ़ गया, आपको कुछ पता है? मैंने अपनी बहन की शादी आपसे करवाई और आपने मेरा कर्ज उतारने के लिए अपनी नौकरानी से भी शादी नहीं करवाई। जूता उतार के मारूंगा। क्यों मारोगे? पूरे ऑफिस का स्टाफ तेरी शिकायत कर रहा है, तू सभी से उधार ले चुका है, तुझे कोई भी प्रोग्राम दिया जाए तू उसे ढंग से नहीं कर पाता, तू अपना प्रोग्राम किसी और से करवाता है, आज से तू कोई प्रोग्राम नहीं करेगा, सब कैंसिल। देखो बिना जाने कुछ भी मत बोलो जीजा, उस प्रोग्राम के कारण मैंने कितनी बार पब्लिक से मार खाई है, अब मैं और मार खाना नहीं चाहता, इसलिए जवान लड़के को काम सौंप दिया, मैंने गलत किया। बहुत हो गया, आप चुप हो जा। ये देख तूने क्या किया मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अब मैं तुझे नहीं सहन कर सकता, तेरे हर प्रोग्राम में कैंसिल करता हूँ, तू अभी ये कंपनी छोड़ और यहाँ से चला जा। शाम तक भी नहीं आऊँ क्या? अगले जन्म में भी मुझे शक्ल मत दिखाना। कंफर्म कर लिया जीजा। शट अप एंड गेट अप। एक फोन कर लेता हूँ विद योर परमिशन। कर ले। हेलो बहन सुभद्रा। हेलो। मैं तेरा छोटा भाई तहलका सुबाराव बोल रहा हूँ। बोलो भैया। बहना मुझे बहुत दुख है कि मैं तेरे नाम पे बैंक अकाउंट में कुछ डाल नहीं पाया, सोने के कंगन को नजर लग जाती है इसलिए मैंने पीतल के बनवाए, चांदी की काली पड़ जाएंगी इसलिए मैंने स्टील की पायल बनवा के अलमारी में रखी है, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे बड़ा दुख है बहना। मेरे यमराज के पास जाने के बाद बहना मेरे हर श्राद्ध पे क्वार्टर चढ़ाना मत भूलना, समझी ना? अब सुन बहना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना। भैया हेलो। हेलो क्यों जी, मेरे भैया को कुछ कहा क्या? बताओ बताओ क्या कहा मेरे भैया को आपने? ऐसे क्या कह दिया? वो आत्महत्या करने वाले हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, फोन रखो। ए भाई तू जा यहाँ से। ओके जाना यहाँ से। ये मैं लेके जाता हूँ। इसमें फोन क्यों रखा है बेटी? ये हमारी कंपनी का फोन है,
इसी की पूजा करनी है, इसीलिए। अच्छा, आज से मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, कल से मेरी सेल्स बहुत अच्छी हो ऐसी पूजा कीजिए। ठीक है बेटी। नमस्ते सर, अपनी शूटिंग खत्म हो गई है, अपने प्रोग्राम का क्या रिस्पांस आया है सर? पता है क्या सर? एक भी एड हमें नहीं मिला है। धीरे धीरे पिकअप होगा सर। चांस ही नहीं है। वो क्यों सर? पिकअप होने से पहले जीजू ने पैकअप कर दिया है। क्रिएटर्स थोड़ा टाइम लेते हैं। बाहर वालों की बातें मुझे क्यों बता रहा है? क्रिएटर मतलब मैं सर। तू तो मुझे बहुत पसंद है। अगर तेरे जैसा क्रिएटर ना हो तो चैनल चलेगा कैसे? सर, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, कुछ दे देंगे तो। बाहर का बिल भरने के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं है। नहीं सर, गैस, घर का रेंट, दूध का बिल। अरे चुप हो जा, चैनल को अच्छा प्रोग्राम देगा तो ही तो इनकम होगा। दारू की बात तो छोड़, मेरे पास छोड़े के पैसे भी नहीं है। सर मैं आपको नया आइडिया देता हूँ। नया आइडिया? आप किसी भी तरह एड लेके आइए। हाँ? मैं बिना खर्चे के पूरी शूटिंग कर दूंगा। हाँ? फायदा आधा आधा बांट लेंगे। ओके, वन सर। वो क्या सर? जितना प्रॉफिट होगा मेरा, बाकी का तेरा। ओके सर। रुक जा। सर माल लाया? भूल गया। जा, पर सेल से टच में रहना। लेकिन आपके पास सेल नहीं है ना? तो अपना मेरे को दे दे, उसी से टच में रहना। सर मेरे पास भी तो सेल नहीं है। एड चाहिए कि नहीं चाहिए? सर तो फिर जा सेल ला। एडिटिंग रूम में क्या हो रहा है देखता हूँ। कहेंगे बेटी अंजलि, अंजलि क्या है जी? अंजलि कहाँ है? वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। अच्छा, ये लो अंदर रखो। इतनी सुबह सुबह शॉपिंग करने गए थे? और नहीं तो क्या, बोनी के टाइम पे सस्ता मिलता है ना। अच्छा, त्योहार के लिए नई साड़ी लेकर आ गए? हाँ हाँ, देखो देखो। ये क्या है जी, साड़ी लाने वाले थे, ये स्वेटर क्यों लाए? पहन कर तो देखो। गर्मी में स्वेटर कौन बेवकूफ पहनता है बताइए? ये मुझे भी पता है कि ये सर्दी में पहना जाता है, लेकिन उस समय महंगा मिलता है, इसीलिए अभी लेकर आया। प्लानिंग है, प्लानिंग। क्या खाक प्लानिंग है? गर्मी में स्वेटर खरीदते हो, ठंडी में फ्रिज खरीदते हो, आम भी तुम गर्मी में ना खरीद कर बारिश के बाद खरीदते हो, ऐसी प्लानिंग का क्या फायदा? इसी को तो प्लानिंग कहते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मेरा तो नसीब ही फूटा है। नसीब की क्या बात है, स्वेटर लाया तो नसीब खराब हो गया क्या? ये लो अंदर रखो। क्या डैडी, फिर से शुरू हो गया आप लोगों का? शुरू तो कब का हो गया था बेटे, तू तो बीच में आई। मंदिर जाकर आ गई क्या? यस डैडी। ऑफिस जा रही है? हाँ। ऑफिस में सबसे मिलकर रहना, सेलिंग टारगेट पूरा करना, स्टाफ में टॉप पे रहना। बस भी करो, लेट हो जाएगी। ये टिफिन ले और जा। ओके बेचारे। हाँ, एक काम करना, आते समय छतरी लेकर आना, अभी सीजन नहीं है ना, सस्ते रेट में मिलेगी। आप नहीं बदलेंगे डैडी? तो तेरी माँ को बदल देंगे। बाय डैडी। ये इतनी सारी फोटोज क्यों लगा कर रखी है? ये सब कौन है पता है? द ग्रेट डायरेक्टर दास नारायण राव, एस वी कृष्णा रेड्डी, राघवेंद्र राव, राम गोपाल वर्मा, स्टीलबर्ग नहीं है? स्पीलबर्ग। पर उसमें बर्ग तो है ना। ये और एक फ्रेम खाली क्यों रखी है? इसमें मैं अपना फोटो लगाऊंगा अपने मरने के बाद। ए, मार डालूंगा। जिस दिन मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी उसी दिन इस फ्रेम में फिट हो जाऊंगा। अच्छा, कब आने वाली है तेरी पिक्चर? इसीलिए यहाँ आया हूँ, ये फालतू यार कब तक करूंगा? मेरा गोल फिल्म है। वो गोल पूरा कब होगा? ए, फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर की जरूरत होती है, प्रोड्यूसर मिला तो सब कुछ सेट, टाइटल भी सोच के रखा है। वो भी बता दे। फोड़ा। फोड़ा? ये कैसा टाइटल है? क्यों, राम गोपाल वर्मा की घाव फिल्म चली थी ना, तो मेरी फिल्म क्यों नहीं चल सकती बता? चल मेरी बात छोड़, तू यहाँ क्यों आया है, जॉब करने? नहीं यार। तो फिर? इतने साल पढ़ पढ़ कर बोर हो गया था। हाँ। अब रिलैक्स करना चाहता हूँ। वेरी गुड, तू मुझे अच्छा लगा, आई लव यू। चल चल, आज तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ, स्वर्ग की सारी अप्सरा दिखेंगी। चल चल चल, बहुत मजा आएगा, चल। ओके। जल्दी कर। उल्लाला 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 उल्लाला, तू है मेरी। अरे ये क्या, ये तो बहुत कम कलेक्शन है। अरे इसे अंदर रखो, रखो। स्टॉप, कहाँ से आ रहे हो? लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? शादी में गए थे। हेलमेट के बिना गाड़ी कैसे चला रहे हो? हेलमेट मास भी मार रहा है। बोल बे, मार के आया क्या? यू मिस्टेकिंग सर, आई एम फिल्म डायरेक्टर राम नेपाल वर्मा। अच्छा आयला, हाँ। कौन सी पिक्चर बनाई है रे? अभी तक बनाई नहीं है, कोशिश जारी है। अरे तू क्यों पिक्चर बनाने की तकलीफ करता है? हाँ। अंदर चल, मैं तेरी पिक्चर बनाता हूँ। कलर या ब्लैक एंड व्हाइट सर? ईस्टर्न वेस्ट कलर। पलट के देखोगे तो अलग अलग कलर के चारों तरफ रंग दिखाई देंगे, उसका नाम नहीं पूछेगा। खौफनाक मार, BTS है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, दिमाग से पैदल है। चल जल्दी। सर एक मिनट यहाँ आइए प्लीज। क्या है? In two hands, one shot. Two hand, one shot क्या होता है बे? God is there. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। अबे चुप यार, एक तो सुबह सुबह उठाया, ऊपर से शमशान में लाकर बिठाया, गाना गा रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं यार, एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं जो ऐड करूंगा उसमें तुझे बस एक्टिंग करनी है। हेल्प करना है तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये एक्टिंग वेक्टिंग उससे नहीं हो गया, किसी और को पकड़। अरे तब तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना।
ग्रेजुएशन करने के बाद तू तो फालतू घर पे बैठा हुआ है, कोई काम धाम नहीं है, इसलिए तो सर ने तुझे सेलेक्ट किया है। तेरा हो गया क्या? एक्टिंग बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, ए सर, एक 100 का नोट दे। ओह शिट, अभी ऑटो वाले को देके आया हूं सर। ये लीजिए सर। देखा, पैसा मांगा तो क्या एक्टिंग कर रहा था, एक लाफे में पैसे निकलवा लिए। एक्टिंग इससे भी इजी है, तुझे कुछ नहीं करना है, एक्टिंग सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके ना, एड हिट हो गया ना तो तू बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा, लड़की ऑटोग्राफ, फोन करेंगी, फिर तेरी चांदी ही चांदी। इतना सीन नहीं है, क्या करना है जल्दी बोल। सर, वो देखो सर। क्या शॉट है, चाचा जल्दी कर। नमस्ते भाई, इस लाश को शमशान ले जा रहे हैं ना? लाश को शमशान नहीं तो क्या सिनेमा लेके जाऊंगा? सॉरी सर, इस लाश पर शूटिंग कर सकते हैं क्या? ए, शूटिंग वाले है बे। अरे शूटिंग का नाम सुनते ही बाल संवारने लगे, तुम्हारे भाई के मरने का गम नहीं है? हमारा भाई थोड़ी है, इसने हमसे पैसे लिए थे, दिए बगैर ही मर गया। अच्छा ये बताओ, वो आगे वाले डांस क्यों कर रहे हैं? अरे उन लोगों को पैसे मिल चुके हैं, वो नाचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। अच्छा ये बात है। अरे राजू तू कैमरा वहाँ ले जा, लो एंगल से शूट करना। अच्छा चल तू अपनी शर्ट उतार। भैया जरा टॉवल देना, अब इसे गले में डाल, ये शर्ट संभाल के रखना। अब मैं तुझे एक चीज देता हूँ, ये सिगरेट पकड़ और स्टाइल से आगे आगे चल, समझ गए ना? माँ जी आप सब लोग कोरस मरो ना, सब लोग चालू हो जाओ। अरे तुम लोग लास्ट को उठाओ, ये मटकी दर्द दे, ले पकड़ पकड़ ना ऐसे। अब मेरे पीछे पीछे आ, जल्दी कर, स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। दिन भर सेल सेल्स बोल के मेरा दिमाग खराब कर देता है। चीची, इसका बाप मर गया है और ये सिगरेट पी रहा है, इसे तो चप्पल से मारना चाहिए। छोड़ ना, इसको देख के क्या फायदा, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी चल। इडियट, यूज़लेस फेलो, चल यार, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। कर क्या बात है सर, इस मुर्दे का सिगरेट से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, तेरा बाप मर गया है, तूने शर्ट उतार दी, चप्पल भी उतार दी, लेकिन तू किलर सिगरेट पीता रहा। यू आर वेरी ग्रेट सर। थैंक यू। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। किलर सिगरेट, प्राण जाए प्रसाद में छोड़े। किलर सिगरेट, प्राण जाए प्रसाद में छोड़े। कट, चलो यहाँ से। थैंक यू। साइलेंस इंडिया मोबाइल कंपनी में जॉब पाना एक खुशनसीबी है, और इस रिंगटोन रंगाराव से ट्रेनिंग पाना दूसरी खुशनसीबी है। बात समझ में आई? पिन हो या कोई प्लेन हो, उसे बेचने के लिए एक आर्ट की जरूरत होती है। कस्टमर को प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिलाकर उसे जब तक ये पता चले कि वो प्रोडक्ट उसके किसी काम का नहीं है, उसे बेच देना चाहिए। सच पूछिए तो सेल्स एक महान कला है, इसे सिखाया नहीं जा सकता। फिर ये ट्रेनिंग क्लास रखकर हमें क्यों पका रहे हैं? तो जैसे बेवकूफों के लिए, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप सुन। सपोज तुम लोग सेल बेचने के लिए गए और दरवाजे पर पहुंचते ही उसे बंद पाया, तो आप क्या करेंगे? अब बताओ फोन कैसे बेचोगे? दीवार को जाएंगे सर। अच्छा, ऐसा करोगे तो कुत्ता टांग पकड़ लेगा और वहीं मर जाओगे। जब ग्राहक घर से बाहर आएगा तब उसे बेचेंगे। क्या बेचेगी, वो शाम को आएगा तब सेल फोन नहीं कंपनी बेचनी पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए सर? गुड क्वेश्चन, इसीलिए तो भगवान ने हमें मुंह दिया है। अम्मा बाबा ऐसे चिल्लाओगे तो सबके सब बाहर आ जाएंगे। फिर हम में और केले वाले में क्या अंतर रह जाएगा सर? अबे गधे, जरा बताएगा तू कमाता क्यों है, कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है। इसको बेचने के लिए दिमाग चाहिए। ओ, लंच टाइम हो गया, मैं अभी आता हूँ। ए राजू, तू सेंटर में जूम लगाना। क्या यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा एड है? बताता हूँ यार, ये पकड़। एयर फ्री अंडरवियर एंड बनियान, नीचे लिखा होगा एयर फ्री, पहना कि नहीं पहना पता ही नहीं चलता। लिखने की जरूरत क्या है, वो तो दिख ही रहा है। देखने वालों को पता चलना चाहिए, जैसा कहता हूँ वैसा कर। ए क्या बे, दोस्त समझ के तेरी प्रोजेक्ट में एक्टिंग कर रहा हूँ, समझा? अरे मजाक कर रहा हूँ मजाक। अच्छा सुनो मैडम, सीन क्या है, आप सीधे सीधे वैन के बगल से गुजरती हैं, ये दोनों तुमको खींच लेते हैं, तुम्हें वैन के अंदर ले जाते हैं और तुम अंदर से हेल्प हेल्प चिल्लाती हो। हीरो की एंट्री होती है और विलेन की धुलाई, हीरो सामने खड़ा होता है, तुम दोनों की नजरें मिल जाती हैं, तुम दोनों एक दूसरे में खो जाते हो। हम लोग काय का ऐड करने के लिए आए। इसका अंडरवियर देख, इसी का ऐड करना गधे, राय मत दे, पीछा कर रहे। मैडम समझ गई ना? ओके ना, एक रिहर्सल करते हैं, अब वहाँ से आओ। तू इधर आ। ए अबे तुम दोनों गुंडे हो, टाइल में खड़े हो जाओ, समझे? ए जूम कर। ओके सर।
रोलिंग एक्शन। अरे तू आ गई, आज ये वाला होटल बुक किया है। ये क्या मैडम, एक्शन बोला तो ओरिजिनल कैरेक्टर में आ गई। हमें वो नहीं चाहिए, फील फील चाहिए। सॉरी सर, कोई हाथ पकड़ता है तो मैं मना ही नहीं कर पाती। तू तो बिल्कुल मेरे टाइप की है, बहुत कोऑपरेटिव है। शूटिंग खत्म होने के बाद होटल में ले चलूंगा। अभी एक्ट करो, तू भी एक्ट कर। मैडम आएगी तो खींच कर अंदर ले लेना। अबे चुप, इस इड़े ने बोला था लड़की का फ्री में रेप करना है, इसीलिए हम लोग रेप करने के लिए आ गए। मजाक कर रहे हैं हम लोग से? क्या बे, तुझे आर्टिस्ट लाने को कहा था, रेपिस्ट लेके आ गया। हाँ तो इस बजट में प्रकाश राज थोड़ी आएगा। इसको बोलो जैसे बैठे बैंड में खींच लो, कोऑपरेट करने को बोलो यार। तू चाहे तो कल उसे घर चले जाना। देवी तुम एक्टिंग करो मेरी माँ। शुरू हो जा, चल 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 देख ले। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। हेलो, ये पुलिस स्टेशन है सर? यहाँ पर रेप हो रहा है। कहाँ पे? लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स के पास। सच में सर? एक तो सिर्फ चड्डी में ही है, अगर आप जल्दी नहीं आए तो वो भी उतर जाएगी। इस बेचारी को बचाइए सर। अरे गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है, जल्दी चलो लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स। एक्शन। बेदाग मर्दानगी के लिए एयर फ्री बनियान। पहना है कि नहीं पता ही नहीं चलता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक और करते हैं। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। बेदाग मर्दानगी के लिए एयर फ्री बनियान। पहना है कि नहीं पता ही नहीं चलता। आहा, ओके। क्यों रे, तुम लोग यहाँ पर रेप कर रहे थे? इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? शूटिंग कर रहे थे सर। इस लड़की का रेप हो रहा है, ऐसा इस लड़के ने मुझे फोन करके बताया। क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ एड फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अरे तो मुझे देखकर फिर ये लोग भाग क्यों गए? आपका डंडा देख के भाग गए सर। तुम दोनों को मैंने कहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है। हम दोनों को? नमस्ते कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, कमिश्नर तो मैं भाग गए। अरे तुम सब मिलकर पकड़ो ने। सर उस दिन यही दोनों आपको सेंटर पे मार के भागे थे। अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो ने। ओके सर। आज मैंने सिर्फ दो ही सेल बेचे। अभी बता दो, चल निकल, हाथ में आ जाए। कहां गया? चलो अभी किधर जा? अरे उधर जाओ, उधर देखो। अरे अरे बाप रे, बच गए वरना पता नहीं क्या होता। हेलो, मेरे पैसे कहाँ हैं? कैसे पैसे? काम होते ही सारे पैसे दे दूंगा बोला था। चल ला, चल मेरे पैसे दे, दे दे दे। बीच में पुलिस आ गई ना? पुलिस आ गई तो उससे मेरा क्या लेना, काम तो हो गया ना। चल मेरे पैसे दे, दे 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 फटाफट। चल चल, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी निकाल पैसे। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे, चल जा। पैसे नहीं मिलेंगे? जाने सुबह किसका मुँह दिखा था जो इस जैसा पनौती मिला। पनौती कहेगा, पनौती। चीची स्टूपिड, कौन है ये? उस दिन बाप की मौत पे सिगरेट पी रहा था ना, वही है। बाप की मौत को 4 दिन नहीं हुए और इसको ब्रॉटल केस में पुलिस दौड़ा रही है, ऐसे इंसान को तो ना। अरे ये तो पहले से ही कैरेक्टर लेस है, तू मत सोच इतना। तीन महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, एक ही फोन बेचा है और जिसको बेचा है उसका एड्रेस ही नहीं मालूम है। क्या करने आया है, जरा अंजलि को देख के कुछ सीख। सर हाँ आजा राम, तू ही तो है जिसने इस कंपनी को बचाया हुआ है, तू नहीं होता तो इस कंपनी की वाट लग जाती। ये क्या रिजाइन कर रहा है क्या? हाँ सर। लेकिन क्यों? मैं अपने लिए कल एक लड़की देखने गया था। हाँ। उन्होंने पूछा कहाँ काम करते हो। हाँ। मैंने उनसे कहा कि साइलेंस इंडिया मोबाइल में काम करता हूँ। तो फिर तुझे उठकर गले लगा लिया होगा ना? उठे तो थे सर। हाँ। पर गले लगाने के लिए नहीं। वो क्यों? मारने के लिए। ऐसा क्यों? लड़की का बाप हमारा बहुत पुराना कस्टमर था सर, हमारी कंपनी का बोगस बिल देखकर हार्ट अटैक से मर गया था। आपकी कंपनी आपको ही मुबारक सर। कैसे कैसे कस्टमर आ जाते हैं। अबे ओए, मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया हूँ, ये एक्टिंग वैक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है, तू प्लीज मुझे छोड़ दे। अरे यार एक बार कर देना, बहुत बढ़िया ऐड है। अबे ऐसे कैसे कर दूँ, दोस्त समझ के मैंने तेरे लिए एक्टिंग कर दी तो चड्डी पहना के रोड पे भगाएगा, थोड़ी देर और रुकता तो हवालात में होता। अरे ये सब मुझसे नहीं होगा, माफ कर दे चल। अरे ये ऐसा ऐड नहीं है, बहुत बड़ा ऐड है, अगर एक बार रिलीज हो गया ना तू बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा और मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर। एक बार कर लेना दोस्त। ठीक है करता हूँ, लेकिन ये आखिरी बार। मान गया, चलो जल्दी करते लगाओ, जल्दी करो। रख रख रख, ठीक से रखो, ठीक से रखो। राघव हाँ सर, तू तैयार है ना? रेडी सर। हाँ ठीक है, हम दोनों का क्लोज निकालना। हाँ निकालता हूँ ना सर। हाँ तू रेडी है? रेडी। स्टार्ट कैमरा, रोलिंग एक्शन। ए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे। नहीं नहीं सर, मेरी अभी तक एक भी शादी नहीं हुई है। मेरा टाइम अब खत्म हो गया है, छोड़ूंगा नहीं, नहीं, नहीं सर, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। तू मेरे लिए प्रॉब्लम बन गया है, छोड़ दो सर।
एक बार माफ कर दो सर। ए, मेरे ही घर में रहकर मेरा खाकर मेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है। आप भगवान जैसे हो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। पैर पड़ेगा? ये ले। नहीं सर। अरे क्या यार, इस पे तो खून ही नहीं लगा है। हेलो इंस्पेक्टर शिवमणि, 9848022338। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, बोलो। सर यहाँ छाया अपार्टमेंट्स में मर्डर हो गया है सर। सच में? हाँ सर, किसी ने उसका मर्डर करके बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया है। सुबह सुबह बहुत अच्छी बोनी हुई। अरे कोई मरेगा नहीं तो हमारा कैसे काम चलेगा। अच्छा तुम वही रुको, मैं बहुत जल्दी आता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो, जल्दी बताओ। हेलो हेलो, छाया अपार्टमेंट चलो जल्दी, वहाँ ताजा लाश पड़ी है, आज भी बोनी हो जाएगी। छत से कूदो या पहाड़ से कूदो, बॉडी ना टूटेगी ना मुड़ेगी। जंप वेल मैट्रेस, आपके उछल कूद का साथी। छिछी, ये डायलॉग तो डबल मीनिंग लग रहा है। अच्छा तुझे ऐसा लगा? ये डायलॉग भी अच्छा है, इसका दिमाग भी अच्छा चलता है, क्रिएटिव ब्रेन। ए, मैट्रेस से सोने के लिए होते हैं, इसके ऊपर बच्चों की तरह उछल कूद नहीं की जाती। अच्छा मुझे पता नहीं था, अभी पता चल गया। ए, एड को बस रिलीज होने दे, इसे पूरा इंडिया देखेगा ना तो हिल जाएगा। अरे इंडिया को छोड़ो, इस गद्दे का काम पूरा करो वरना इसका बिल तुम्हें हिला देगा। अरे मैं तो भूल गया, पैक अप। कहाँ है, कहाँ है, जिसका मर्डर हुआ वो कहाँ है, बताओ मुझे कहाँ है। नमस्ते सर। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? जी सर। हमने सुना है यहाँ एक मर्डर हुआ है। मैं नहीं जानता। तू नहीं जानता, चल भाग। बास क्यों नहीं मार रहा है, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। ओके सर। चलो रे, किसी ने हमें बेवकूफ बना दिया है। मैं हेल्प यू? कोई प्रॉब्लम है क्या? पेट्रोल खत्म हो गया? इग्निशन तो प्रॉपर है ना? रुको मैं देखता हूँ। आप जाइए, टेंशन मत लो, संभाल लूंगी, प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं मैडम, मैं ठीक से चेक कर लेता हूँ। जाइए। अरे मैडम आप साइड हटिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, जरा हटिए। हेलो कविता। कहाँ है रे? ऑफिस में हूँ अभी, क्या हुआ? मैं बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंस गई हूँ। क्या हुआ बताओ तो सही। बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ हो अभी तुम? तुम आओ ना यहाँ पर प्लीज। अभी मैं नहीं आ सकती, बॉस छुट्टी नहीं देगा। बॉस वहीं पर है? हाँ यार। उसी बॉस की वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ, छी वेस्ट फेलो। अच्छा एक काम कर, एटलीस्ट पुलिस को तो फोन कर ले तू। क्या हुआ बताओ तो सही। अगर एक घंटे में नहीं पहुँची तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। अच्छा अच्छा बता, एड्रेस बता। रोड नंबर 22 जुबली हिल्स। ओके ओके, जल्दी आना। हाँ हाँ, तू आ रही है ना? हाँ मैं अभी आती हूँ। प्लीज जल्दी आना, भूलना मत प्लीज। हाँ हाँ मुझे पता है। क्या हुआ मैडम, आप तो ऐसे डर रही है जैसे किसी जंगल में हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आप करती क्या हैं? मैं साइलेंस इंडिया कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर हूँ। दैट्स नाइस, आपकी स्कूटी मैंने बना दी है। कैरी ऑन। थैंक्स अ लॉट। एक्सक्यूज मी। हाँ? आपने कहा कि आप सेलफोन कंपनी में काम करती हैं, कोई अच्छी स्कीम है तो बताइए ना। 500 रुपए में 1000 रुपए का टॉक टाइम, इनकमिंग 2 रुपए, आउटगोइंग फ्री और आउटगोइंग फ्री, ये कौन सी स्कीम है? देखिए प्लीज आप ऑफिस में आकर मिलिएगा प्लीज। हाँ ठीक है आप अपना कार्ड तो दीजिए। Hi Rosie, how are you? आजकल मिलता नहीं है तू? हमारे ऑफिस में एक पागल है, कहीं जाने ही नहीं देता। पागल मतलब तुम्हारा ट्रेनर ना? अच्छा तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारा ट्रेनर बनने से पहले वो हमारा ट्रेनर था। क्या बे पागल बोल रहा है मुझे? पागल के नीचे खुद काम करता है तो कितना बड़ा पागल हुआ, चल बैठ। ए दो दो लड़कियों के साथ क्या बात कर रहा है, इस ऑफिस का काम तेरा बाप करेगा? ए फोन उठाओ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? मैं कस्टमर बोल रहा हूँ, मुझे सेल लेना है, जरा अंजलि जी को बुलाएंगे? कस्टमर, कस्टमर के लिए अंजलि क्यों, पूरे ऑफिस को बुला लूंगा। अंजलि कस्टमर का फोन है, अच्छी तरह डील करना। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम संदीप है, मुझे एक सेल चाहिए इसीलिए मैंने आपको फोन किया। श्योर श्योर, आप अपना एड्रेस बताइए, मैं आके आपसे मिलती हूँ। ओके आप मदुरा नगर के पास आ जाइए, वहाँ पर एक बेकरी है, वहीं मैं मिलूंगा।
रामो तेरे फोन का इंतजाम हो गया। कैसे? इससे तुझे क्या करना है, तू जल्दी से दो फोटो लेकर अपने बेकरी पे आ जा। यार मैंने कभी फोटो निकलवाया नहीं। अरे नहीं है तो निकाल और बेकरी पे आ जा, मैं तुझे वहीं पर मिलूंगा, चल। अरे मेरी बात तो सुन। हाय, आई एम संदीप, मैंने ही आपको फोन किया था। क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई हैं? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए ना बैठकर बात करते हैं। आप धूप में थक गई होंगी, कुछ मंगाऊं आपके लिए? कुछ नहीं। रुकिए, कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर शिवमणि बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ। सर उस दिन जिस आदमी ने मर्डर किया था वो यहाँ A1 बेकरी में है, आप प्लीज जल्दी आइए सर, प्लीज। आता हूँ। आप आ रहे हैं ना? लीजिए। देखा ना, उस दिन आपने मुझे कार्ड दिया तो उसका कितना फायदा हुआ। जी हाँ। आपकी आवाज कितनी मीठी है। ओ, थैंक्स। मुझे सेल देने के बाद आप टच में रहेंगी ना? वो क्यों? मेरे कहने का मतलब मेरे नहीं, कस्टमर के। कुछ भी कहिए लेकिन आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का दिन मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। हाय, किसने किसने हमें फोन करके जगाया? सर तुमने फोन किया था। बोलो। सर सर इसी ने मर्डर किया था। तू है आउट आउट, मर्डर करके तूने सोचा तू भाग जाएगा? मैंने किसी का मर्डर किया? अंजलि जी ये सब क्या है? नाटक बंद कर, मुझसे होशियारी नहीं, नहीं तो दुनिया से उठा दूंगा। आओ, तूने लाश कहाँ पे छुपा के रखी है बे? किसका मर्डर, किसकी लाश, ये सब क्या चल रहा है? अरे रे 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 रे, कितना मासूम है, मुंह में उंगली डालो तो काटेगा नहीं। इस मिस ने हमें कॉल करके बताया था कि तूने किसी का मर्डर किया था, उस दिन तो तू बच गया, अब बता। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। व्हाट इज दिस अंजलि? सर ये झूठ बोल रहा है सर, इसी ने मर्डर किया था, मैंने खुद देखा। संदीप ये लो फोटो। नमस्ते सर। इसी ने मेरा सेंटर खसकाया था। सर इसने इसी का मर्डर किया था और बिल्डिंग के ऊपर से फेंक दिया था। क्या कहा, इसने मार के मुझे ऊपर से नीचे फेंका, यही देखा ना? ओह समझ गया सर, वो तो हम एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, इनको उसी से गलतफहमी हो गई होगी। क्यों मैडम, जिंदा आदमी को मरा हुआ बोलकर पुलिस से मजाक कर रही हो, हम पागल हैं? अब तुम्हें अंदर कर दूं तो? सॉरी सर। सर जाने दीजिए, अंजलि में इस लड़की से गलती हो गई, बाकी सब मैं संभालूंगा। अबे रुको, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अबे तुम दोनों क्या सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है? मेरा सेंटर विकेट तुम्ही लोगों ने गिराया था ना? अरे नहीं सर, वो तो मैंने सेंटर में नहीं मारा था, साइड में मारा था। जहाँ मारा था वहाँ मैं आज भी मरहम लगाता हूँ। चलो इन्हें लेकर। सर छोड़ दो मुझे। चुप कर, अभी तक यही खड़ा हुआ है, चल अंदर बैठ। सर अब हम लोगों को जेल में डालोगे क्या? नहीं रे, होटल में रूम बुक किया है। वाह आप कितने अच्छे सर, वहाँ एसी तो है ना सर? हाँ फुल एसी, बर्फ के ऊपर लेटाकर तेरी थाई मसाज की जाएगी, तेरी सारी थकान मिट जाएगी। हाँ मैं छोड़ दीजिए सर। पैर पकड़ोगे तब भी नहीं छोड़ूंगा। पैसे दे दे छोड़ देंगे। मजाक कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है पता है ना? छोड़ तो मैं तुम्हें दूंगा लेकिन 2000 रुपए देना पड़ेगा। अच्छा राजा जी की जान पैसे में। लो सर। नोट कम है, बेवकूफ समझा है क्या? बैलेंस स्टेशन आकर दूंगा सर। उसको दे, ये लो। हो जा चल। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। क्यों लड़की, तू चार पैसे कमा लेगी सोच के तुझे यहाँ बुलाया था, और तूने तो पूरा पुलिस स्टेशन यहाँ पर बुला लिया, अब तो खुश है ना? सॉरी सर मुझसे गलती हो गई। सॉरी बोलते हुए शर्म नहीं तुझे? छोड़ना यार, सॉरी बोल रही है ना, अब छोड़ दे। वो तो टाइम पे पैसे थे इसलिए मामला सुलट गया, नहीं तो वो इंस्पेक्टर हम दोनों का कीमा बना डालता। माते जाओ फोन बेचो, चल तू मेरे साथ चल। All the best. चलो। देखा कैसा शॉर्ट मार के कस्टमर क्लोज किया? ज्यादा तेज लग गया सर, बाजू में चला गया। ए,
अपना काम कर। हाँ ए, ये क्या है बे? सेलफोन है। अच्छा हो गया तूने मुझे बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। रोड पर आने जाने वाले को रोक कर तू सर ऐसा काम करता है वैसा काम करता है बोलकर चिपका दिया। पर ये साला तो चलता ही नहीं है, कितना दबा कर देखा है इसे। नेटवर्क कहाँ दिखा? दबा कर देखा। हाँ भाई, कब दबाया? जब मेरी साली अपने मायके गई ना तब दबाया। जब मैं अपने ससुराल गया ना तब दबाया। अपने साले के गांव में जाकर भी मैंने दबा कर देखा, नहीं आया। आप ही दबा कर देख लीजिए सर। मैं दबाऊं? हाँ। कौन से गांव का है? रामगढ़, जानते हो क्या तुम? यहाँ हैदराबाद में नेटवर्क नहीं आता, तेरे गांव में कहाँ से आएगा? बहुत सस्ता प्लान लिया तूने, तेरा फोन चालू हो गया यही बहुत बड़ी बात है। ए, अगर दोबारा हैदराबाद में दिखा ना तो याद रखना ये तेरा खून पी जाएगा। चल निकल, फुटले फुटले फुटले, इसको कहते हैं डील कर। ये डील समझ में नहीं आती। It's okay. आईडी प्रूफ के लिए एक पैन कार्ड लेके आई अपना, ठीक है? I'm sorry, मैंने गलती से इसे बचा लिया, आप पुलिस कंप्लेंट मत करना। हाँ सॉरी, उस दिन गलती से मैंने कुछ, I'm really very sorry। अब वो कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो शॉपिंग करने आया था। कौन से पेड़ के पीछे? यहाँ पर कौन सी शॉप खुली है? सुबह से देख रहा हूँ, तू किसकी शॉपिंग कर रहा है? तू क्या सोच रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है? खुद को तो कोई काम नहीं है, इसको भी वैसे ही बनाना चाहता है। देखो मेरे ऑफिस में सिर्फ यही लड़की काम की है, बाकी सबके सब बेकार हैं। सुनो मैडम, ऑफिस टाइम के बाद जितना प्यार करो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर, वी आर नॉट लवर्स। तो यहाँ क्या केले बेच रहे हो? मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है? क्यों भी नहीं प्रेमी? कुत्तों को बचाने का काम है तेरा? कुत्ते बचाने हैं तो यहाँ क्या कर रहा है भाऊ? मेरा मतलब वहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, वहाँ के कुत्तों को बचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो फोन बेचो। सॉरी, उन्होंने गलती से लवर्स कह दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा? सच कहूँ मुझे तो बहुत खुशी हुई। खुशी क्यों? क्योंकि आज मैंने ये कुत्ते की जान बचा ली ना, इसलिए। वैसे ये कुत्ता आपका है क्या? नहीं नहीं, मेरा नहीं। तो फिर किसका है? किसको देना चाहिए? इसे मैं रख लूँ क्या? आप मांगोगी तो सब कुछ दे दूंगा, ये कुत्ता क्या चीज है। वैसे कल आप यही है क्या? पता नहीं मुझे, पता कर लूंगा। वैसे कुत्ता संभालना। इतने सडनली सीरियल कैसे रोक सकते हैं? आपको भी नमस्ते और आपके चैनल को भी नमस्ते। चलो भाई चलो, इसमें सुनने हमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बात सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए आप मेरी। कौन है जीजू? सीरियल के बारे में बात कर रहे थे, अपने चैनल में सीरियल प्ले करना, उनकी बातों में मत जाना जीजा। वो बंद कर। अच्छे रनिंग सीरियल में कच्चा चड्डी बनियान सिगरेट कैसे भी ऐड डालता तू? क्यों, ऑडियंस ने पसंद नहीं किया क्या? पसंद किया ना, इतना पसंद किया कि अपना टीवी ही बंद कर दिया। प्रोड्यूसर चैनल बंद करना चाहते हैं। मेकिंग तो मैंने अच्छा किया था, उसने टेकिंग में कुछ मिस्टेक किया होगा। जूते से मारूंगा। अरे मानो जीजू, वक्त के साथ बदलना चाहिए, ये समय की मांग है। तू अपना मुंह बंद कर, मेरी बात मानो। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, तू यहाँ से निकल जा। निकल जा, बहन बहन कुछ नहीं, निकल जा, तेरी बहन की ऐसी तैसी, निकल यहाँ से। चल निकल, चल निकल, ठीक है ठीक है, बंद मारो, जा रहा हूँ। सब गड़बड़ हो गया। जी जी नमस्ते सर। मेरे पैसे सर। पैसे? पैसे मांगे तो मारते क्यों? तेरे फालतू प्रोग्राम के लिए ये बिल्कुल सही दिया है। क्या कहा? मेरा प्रोग्राम फालतू है? हाँ। तो टीवी पर क्यों प्रसारित किया? इतना बड़ा हादसा होगा पता नहीं था। शॉर्ट देखकर तो सुपर फंटास्टिक बोल रहे थे। शॉर्ट को सुपर फंटास्टिक नहीं बोला था, उसमें जो लड़की थी उसको फंटास्टिक बोला था। बोला था तेरे जैसा कोई नहीं होगा। वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मुझसे आपने सारा काम करवाया, लोकेशन का चार्ज भी नहीं दिया, आर्टिस्ट का पैसा भी नहीं दिया, ऑटो का भी भाड़ा नहीं दिया, फिर भी मैंने आपका काम किया। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। छोड़ने के लिए पहले पकड़ना पड़ता है। मैं तुझे डिसमिस करता हूँ। तू मुझे क्या डिसमिस करेगा बे, मैं खुद चला जाता हूँ। तेरे इस घटिया चैनल में काम करने नहीं आया हूँ मैं। मेरी मंजिल क्या है पता है? रेड कारपेट। तो जल्दी जा, यहाँ क्यों खड़ा है, चल निकल। बुरा ना मानो तो एक बात पूछू मैं? हाँ हाँ पूछो ना। तुम इतने पढ़े लिखे हो, रिलैक्स रिलैक्स कह के टाइम वेस्ट क्यों करते हो? अब तुम भी चालू हो गई? हाँ
मेरे डैडी ने तुम्हें फोन किया था क्या? मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, छोड़ो वो टॉपिक। अच्छा तुम कल घर पर आओगे ना तो डैडी से मिलवाऊंगी, ठीक है? ओके ये अच्छा है, चलो। ए इडियट! ए रुक रुक! अंधा है क्या? संदीप छोड़ो, तुम रुको। संदीप छोड़ो ना। आप रुको भाई, अभी आपको सॉरी बोलेगा। संदीप प्लीज छोड़ो ना उन्हें। आप अंदर बैठो भाई, बैठ जाओ। संदीप जाने दो, संदीप जाने दो ना। हाँ मां मैं आ रहा हूँ। ये क्या कर दिया? चल निकल। चल भाई को सॉरी बोल, सॉरी बोल। तूने भाई से ऊंची आवाज में बात की? ये जल्दी भाई को सॉरी बोल, मैं तुझे सुनाई नहीं देता। अबे हट! क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं सर, ये लोग। हाँ मैं समझ गया, तुम जाओ जाओ बेटा जाओ। अरे उसे चुप, मैं तुझे यहाँ का एमएलए बनाना चाहता हूँ और तू गुंडागर्दी कर रहा है। अरे पर उसे चुप बेटा। अरे मर्डर कर, खून लगा के मत घूम, रेप कर पर दाग मत लगा, पर्सनली चाहे कुछ भी कर लेकिन पब्लिक के सामने इज्जत से रह। अरे पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे, उसके बाद चाहे कुछ भी कर, कोई नहीं रोकने वाला। आ आ चल चल। अरे बैठना। ए तुम लोग चलो। वॉशिंगटन में होने वाले वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस एंड एनिशियन ऑकल्टिज्म एंड एस्ट्रोफ्यूचरोलॉजी के लिए हमारे भारत देश के बहुत ही मशहूर ज्योतिषाचार्य हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर समुद्र मार्कंडेय शर्मा जी को निमंत्रण मिलना बहुत ही गर्व की बात है। इसी संदर्भ में ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वालों को और जो विश्वास नहीं रखते हैं उनको, उनके संदेह निवारण के लिए यहाँ पर इस फेस टू फेस एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप इनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। शर्मा जी, ज्योतिष शास्त्र में आजकल के जमाने में बहुत ही कम लोग विश्वास करते हैं, उनकी शंका निवारण के लिए आप क्या कहते हैं? मेरा मानना है कि संदेह सिर्फ ज्योतिष शास्त्र पर ही नहीं, लोगों को और भी बहुत सारी चीजों पर होता ही है। जो समझे, मेरे हिसाब से अज्ञानता है, आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। If you want to criticize the Bible, first read it, dear. इसी तरह विश्व में किसी भी चीज का बहिष्कार करने से पहले उसके बारे में जान तो लो। ज्योतिष शास्त्र यानी ब्लाइंड बिलीफ, साइंस इसे नहीं मानता, इस पर आपका क्या कहना है? सच्चे शास्त्र को किसी के मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। मानने वालों के लिए शास्त्र और न मानने वालों के लिए अंधविश्वास। मैं मानता हूँ, आई बिलीव इट इज अ साइंस। शर्मा जी, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप एक पुस्तक लिखने वाले हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? मैंने अपने जिंदगी के सारे ज्ञान और अनुभव इस पुस्तक में लिखे हैं। ज्योतिष शास्त्र का प्रचार करने के लिए सबको इसके बारे में अवगत कराना होगा। फ्यूचर जनरेशन को इस शास्त्र का अध्ययन करने से उपयोगी सिद्ध होगा। सर, किसी का हाथ देखते ही सब कुछ पता लग जाता है, कुंडली देखकर आने वाले संकट के बारे में बता सकते हैं क्या? हाथ की रेखाएं और कुंडली की जरूरत भी नहीं पड़ती है। किसी मनुष्य को देखकर उसके बैठने का तरीका, शरीर में आए बदलाव, मुख पर आया भाव, श्वास लेने का सबका अपना अपना तरीका, ये सब कुछ देखकर बताया जा सकता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, इसे एस्ट्रोलॉजी में फेस रीडिंग कहते हैं। सपोज अगर कहीं पर क्राइम हुआ हो तो उस क्राइम वाली जगह को सूंघने के बाद पुलिस डॉग्स बहुत जल्द क्रिमिनल्स को ढूंढ लेते हैं, हालांकि उस व्यक्ति को उन्होंने देखा नहीं होता। ठीक उसी तरह एक इंसान का हाथ देखने के बाद वो कब कहां क्या करने वाला है, ये सब बता देने की शक्ति ये सिर्फ ज्योतिष शास्त्र में ही है। ए, पागल है क्या? डियर फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो अनंत है,
पर कुछ लोगों के कारण इसकी उपेक्षा की जा रही है। अगर इसमें कुछ गलतियां पाई जा रही है तो मैं कह सकता हूं कि इसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं हो सकता, ज्योतिषी की गलती हो सकती है। इस पे उंगली ना उठाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तू मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, तुझे शूटिंग में अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। अरे अंदर उन लोगों की इतनी सीरियस मीटिंग चल रही थी और तू शर्मा जी पे हंस रहा था। तू जानता है शर्मा जी कौन है? इंडिया के नंबर वन एस्ट्रोलाइजर हैं। अरे यार ये एस्ट्रोलॉजी सब बकवास है, और तुझे एक बात बताऊं, ऐसे लोग हर चौराहे पर मिल जाते हैं। ए चुप कर, शर्मा जी ऐसे नहीं है। अच्छा तो फिर कैसे है, हाईटेक है क्या? इतने बड़े सेमिनार में जर्नलिस्ट लोग आए थे, सवाल कर रहे थे, तब तो ये जवाब देने के लिए चपड़ चपड़ करेंगे ना। शर्मा जी कौन है यार, ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया। चल चल सब सामान उठा। अच्छा बताओ तुम अपने बारे में सोचते क्या हो? शर्मा जी से बेकार में तुम बहस कर आ गए, उनके बारे में तुम जानते ही क्या हो? उनके बारे में मुझे जानने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल, तुम जानते ही क्या हो उनके बारे में जो आर्ग्यू कर रहे थे। देखो अंजलि, इस ज्योतिष शास्त्र पर मुझे विश्वास नहीं है और ना ही मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अरे उनकी अपॉइंटमेंट पाने के लिए कितने लोग लाइन में खड़े रहते हैं, क्या वो पागल है? एक बार चलकर मिल लो ना। अरे बाबा एक बार बोला ना मुझे पसंद नहीं है। देखो संदीप, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में जानने की जरूरत ना हो, पर मुझे है, क्योंकि मेरा भविष्य तुम्हारे भविष्य के साथ जुड़ने वाला है, ये बात याद रखना। माल तो अच्छा छाप कर रखा है। चलो नवीन। सर संदीप नाम का एक लड़का आया है, उसे ऊपर भेजो। ठीक है सर। संदीप आप ही है ना? हाँ मैं हूँ। शर्मा जी ने आपको ऊपर बुलाया है। ओके अंजलि, सिर्फ 5 मिनट, हाँ जल्दी चले जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है, संदीप की होने वाली पत्नी। भविष्य बताने के लिए आपने हमें यहाँ खुद बुलाया, हम बहुत खुश नसीब हैं। आपका नाम? संदीप। पूरा नाम बताओ। कुमार संदीप। डेट ऑफ बर्थ? नवंबर 14th। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1978। पैदा हुआ सुबह 7 बजे वैजाग में। ठीक है या और बताऊं? क्या हुआ सर? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, इनका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इतनी सी बात बोलने के लिए इतना नाटक कर रहे हो? आप तो ज्योतिष शास्त्र पर मुझे विश्वास दिलाने वाले थे। ज्योतिष शास्त्र एक महासमुद्र की तरह है। जिस तरह तुम्हें इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल का समय लग गया, ठीक उसी तरह तुम्हारे जिंदगी में होने वाले बदलाव मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से देख सकता हूँ। हर इंसान की जिंदगी में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स तो होते ही रहते हैं, सो व्हाट? तुम्हारे जैसे इंसिडेंट सभी के साथ नहीं होते हैं,
बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा होता है। इसका क्या मतलब? बोलिए, सुनते हैं। आज से ठीक 30 दिन बाद तुम्हारे जिंदगी में, मतलब इस अप्रैल के 10 तारीख तक तुम्हारे जीवन में 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली है। आने वाली 10 तारीख तक? हाँ, पहली घटना में ही ये यकायक लखपति बन जाएंगे। दूसरी? दूसरी घटना में इनके न जानते हुए भी रातों रात ये एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे और चारों ओर छा जाएंगे। इन्हें नाम और पावर मिलेगा। ओ, पैसा, नाम, पावर, सुपर्ब सर। ये 2 घटनाएं मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सर, मुझे विश्वास दिलाने के लिए आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पैसा मिलेगा, मेरे हाथों में पावर आ जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी सर, है ना अंजलि? शट अप। पहले 2 घटनाओं में शुक्र है तो अच्छा ही होगा, खुशहाली छाएगी। लेकिन तीसरी घटना में राहु केतु शनि तीनों मिलकर तुम्हें हिला कर रख देंगे, संभलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हिला देंगे, वो भी बता दो, सुनो तो क्या है। तुम सबके सामने न चाहते हुए भी किसी मासूम की हत्या कर दोगे, हत्या कर दोगे, हत्या कर दोगे, हत्या कर दोगे। क्या चाहिए आपको? इसका मैं क्या करूं? इससे आपके सर पे मारूं? क्यों बुढ़े आप मार रहा है? ए लड़की, कौन हो तुम? मैं यहाँ संदीप से मिलने आई हूँ। संदीप नेपाल दोनों बाहर गए हैं। कब तक आएंगे? मुझे पता नहीं। ये क्या ससुर जी, आपको दूसरा कोई काम धाम नहीं है? अरे सॉरी संदीप, मुझे तुम्हें वहां लेकर नहीं जाना चाहिए था। अरे तू टेंशन मत ले और ज्यादा सोच मत। हाँ, रिलैक्स रहो। मैं वो शर्मा ज्योतिष के बारे में थोड़ी ना सोच रहा हूँ, पापा ने फोन किया था इसलिए सोच रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा? क्या कहेंगे, कब तक घूमेगा, कुछ काम करेगा या नहीं पूछ रहे थे, और अब मेरे लिए रिश्ता भी देख रहे हैं, बस यही टेंशन है। और तुम लोग कुछ और ही सोच रहे हो? मतलब तू शर्मा जी के मर्डर के बारे में नहीं सोच रहा था? क्यों नहीं सोचूंगा बे, मेरी जिंदगी में जो चेंज आएगा उसका कारण तो तू ही है। मैं तेरा मर्डर कर देता हूँ, पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। शर्मा जी की बातों को इतना लाइटली मत लो संदीप। एक बार बोलती हो टेंशन मत लो, एक बार बोलती हो लो, ये मर्डर की बात कर रहा है, बापू जॉब के पीछे पड़ा है, वो शर्मा भविष्य के बारे में बता रहा है, कौन कौन क्या क्या सोचता है मेरे बारे में, इसलिए मैंने खुद एक डिसीजन लिया है। अच्छा, तू जॉब करने वाला है? नहीं नहीं, ऐसे ही रिलैक्स करूंगा। सामने वाले को टेंशन देने वाला कैरेक्टर है तेरा, तू सुधरेगा नहीं। ए, दो चाय दे। इसका नाम मुन्ना है, उर्फ अलियास असलम। अब तक इसने 11 लड़कियों का रेप किया है और रेप करने के बाद ये उन लड़कियों को बेरहमी से मार देता है। ये मुंबई में एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, पिताजी से झगड़ा किया और घर छोड़ने के बाद उसने मॉडलिंग में भी ट्राई किया और उसके बाद उसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी को ज्वाइन कर लिया और 2 साल जॉब किया। उसी कंपनी में काम कर रही एक लड़की रिचा के साथ इसने लव मैरिज भी किया, उनका एक बच्चा भी हुआ और उसके बाद उसको पता चला कि उसके बॉस और उसकी वाइफ का अवैध संबंध है। घर में झगड़े शुरू हो गए, ये ड्रग्स का आदी हो गया, पत्नी इसका साथ छोड़ के चले गई, ये साइको हो गया, सारी औरतों से ये नफरत करने लगा। पहले उसने अपनी बीबी का ही बेरहमी से कत्ल कर दिया, केस चल रहा था उसी बीच में पुलिस को चकमा देके फरार हो गया। ये एक सीरियल रेपिस्ट है, सो ऑफिसर्स इसको जल्द से जल्द पकड़ना है, इसको पकड़ने की जवाबदारी आप लोगों की है। थैंक यू। अब जल्दी से तुम दोनों इसके लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, ठीक हो जाएगी। हेलो। हेलो अंजलि। बोलिए सर। आम्रपाली अपार्टमेंट से हमें एक ग्रुप बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉल आया है, फ्लैट नंबर 402। तुम जहाँ पर भी हो अर्जेंटली वहाँ पहुँचो। ओके ओके सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। चलो निकलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, यहाँ 3rd फ्लोर पे कोई नारायण राव जी रहते हैं क्या?
मैं ही हूँ, बोलिए। याने ऑफिस में फोन करके आप ही ने मुझे बुलाया था क्या? जी हाँ। सॉरी सॉरी सर, थोड़ा सा लेट हो गई। आपको ग्रुप कनेक्शन वाला कार्ड ही चाहिए था ना? लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक। ओके सर। कॉफी और कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक्स सर, कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, प्लीज वेट। सिमर, हे हे रुक जा। क्या है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर, यहाँ पर एक लड़की आई है क्या? नहीं, वो तो इसी एड्रेस पर आई थी। नहीं आए सर, आप सच बोल रहे हैं ना? एक बार में समझ में नहीं आता क्या? इडियट। अर्जेंटली आम्रपाली अपार्टमेंट में आ जाइए, इमरजेंसी है। संदीप प्लीज। कौन है तू? उठ, हट। कहाँ भाग रहा था साले? सर यही है वो, सर इसे ले जाइए। अंदर लेके चलो इसे।
ए, कब से जानते हो उस लड़की को? किसे सर? ए, ड्रामा मत करो, बताओ कब से जानते हो उस लड़की को? सर इज्जत से बता, कितनी लड़कियों का रेप किया तूने? ये बता, कल तेरे साथ जो लड़की थी वो कौन है? वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है सर। ए, लगता है इस तरह से नहीं मानेगा। चार्ली, यस सर। माधवपुर जंगल में सेम स्पॉट। हाँ। किस लिए सर? एनकाउंटर। एनकाउंटर? तूने इतने लोगों की जान ली है, तुझे कोर्ट ले जाकर अपना टाइम कन्वेस्ट करेगा? हाँ? वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? चल मेरे साथ। हाँ? चल सर, इंक्वायरी कहकर अब आप एनकाउंटर कर देंगे? कौन है, क्या बात है, कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं? कुछ जाने भी नहीं, संदीप को भेज दिया। आप में से कोई भी उसके साथ नहीं गया? उसके साथ क्यों जाए, ससुराल गया है क्या? पुलिस स्टेशन गया है। पर एक बार पता तो करना चाहिए था। अरे यही पूछा था, उसे कान के नीचे मारा है। तेरे को नहीं मारा था क्या? आ, मुझे भी मारा। तो फिर पूरा बता ना। अरे अभी छोड़ो, पता नहीं संदीप कहाँ होगा, भगवान जाने। शट अप, अब आगे हमें क्या करना है इसके बारे में? अरे, अरे अपने संदीप तो आ गया। चलो संदीप बोलो ना, क्या हुआ? तुझे क्यों ले गए थे? तुझे धोया तो नहीं ना? अरे यार सब लोग एक साथ पूछेंगे तो कैसे बोलूंगा। संदीप तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे कुछ नहीं अंजलि, उस दिन जिस आदमी को हमने पकड़वाया वो सीरियल रेपिस्ट है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पता है तुम्हें? उसकी बात छोड़ो, तुम्हें क्यों ले गए थे वो? वो उसे पकड़वाने के लिए मुझे ये एनवेलप दिया है। दिखा 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 दिखा। अरे बाप रे, ये तो 1 लाख का चेक है, पुलिस वालों ने तुझे रिवॉर्ड दिया है। ओह माय गॉड, 1 लाख रुपए, लोगों को तो लॉटरी से पैसे मिलते, तुझे ऐसे ही मिल गए। शाबाश संदीप, तू तो एक ही दिन में लखपति बन गया। तुम यकायक लखपति बन जाओगे। यह अत्यंत ही प्राचीन अमूल्य ग्रंथ है। इन शास्त्रों की खोज में आपके योगदान के लिए हम अपने आश्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। सॉरी सर। कौन बोल रहा है? हेलो शर्मा जी बोल रहे हैं। मैं उनका पीए बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं अंजलि हूँ, मुझे अर्जेंट उनसे बात करनी है। हम लोग अभी केरला में और एक बहुत जरूरी काम में बिजी हैं, समझी? सर बहुत ही अर्जेंट काम है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। सॉरी मैडम, सर ने डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। आप लोग हैदराबाद कब आने वाले हैं? 1 वीक तो लगेगा। प्लीज आते ही इस नंबर पे फोन कीजिए। प्लीज मत भूलिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर मैडम, मैं हैदराबाद पहुंचकर फोन करूंगा। सर प्लीज भूलिएगा मत सर। ओके थैंक यू। इतने टेंशन में क्यों अंजलि, किसका फोन था? शर्मा जी का। शर्मा जी का, किस लिए? संदीप, उनके कहने के मुताबिक तुम लखपति बन गए, भूल गए क्या? हाँ यार, शर्मा जी ने सच कहा था, लेकिन इसमें टेंशन वाली क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? कैसे खुश रहूं? शर्मा जी के मुताबिक संदीप एक मर्डर भी करने वाला है, तुम भूल गए क्या? हाँ यार, शर्मा जी कोई मामूली इंसान नहीं है, अंजलि बिल्कुल सच कह रही है। क्या करेक्ट है यार, एक क्रिमिनल को पकड़ा इसलिए मुझे 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दे दिया, कोई दूसरा पकड़ता तो उसे मिलता, तू पकड़ता या अंजलि पकड़ती तो तुमको मिल जाता था। तुम लोग खामोखा मेरा दिमाग खराब मत करो, टेक इट इजी। अरे क्या बोल रहा है अंजलि, संदीप भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन उस जगह पर तुम, मैं और वो बुढ़ा भी नहीं था, केवल संदीप ही क्यों था? सोचूंगा तो दिमाग फट जाएगा, मुझे एक पैग मारना पड़ेगा। इधर आ, इधर आ। क्या बे, तूने भाई का पोस्टर लगाने से मना किया क्या? नहीं भाई। ए, आज यहाँ लगा रहे हैं, जीतने के बाद देखना असेंबली में भी लगाएंगे, और जो रोकेगा उसे पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। आग। ए, अपने हाथ से ये पोस्टर अपनी दुकान में लगा, समझा? देखता क्या है, जीतने के बाद देखना हम क्या करते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे, भाई का लेवल तुझे पता नहीं है। यहाँ रहना है तो वही करना पड़ेगा तो भाई चाहता है। एक बार इलेक्शन तो जाने दो, इधर ही काट के फेंक देंगे। सर की कसम भाई, मेरा भरोसा करो। ए, चलो अंदर, चलो तुम लोग बैठो भाई, बैठो। इस विषय में सीएम से बात करनी चाहिए। सर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। उस महेश ने उसके बेटे के लिए मेयर का टिकट मांगा था। आपके डिक्लेयर करने के पहले ही वो न्यूज में दे रहा है। तो न्यूज में देने दो, वैसे भी इस बार टिकट उसे ही तो देना है। पार्टी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है सर।
सुन संदीप, ऑफिस सेटअप 20,000, कैमरा और लाइट 30,000, टोटल बजट 50,000 होता है। इससे मुझे क्या मतलब? क्या मतलब क्या? अब मैं खुद की ना एड एजेंसी खोलूंगा, अपने माइंड की क्रिएटिविटी बाहर निकालूंगा, तू केवल जेब से पैसे निकाल। गुड आइडिया, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। तू यहाँ क्यों आया रे? तूने मुझे रे बोला। हाँ बोला तो? हाँ तो इसमें बुरा क्या बोला? चल बात क्या है ये बता। जब से तू गया है सगे भाई के जाने जैसा दुख हो रहा है। क्या? दिल को बहुत तकलीफ होती है। हाँ। पागलों की तरह दिन भर ढूंढता हूँ और रात को फोटो देख के रोता हूँ। हाँ। पेपर में डलवाता लेकिन पैसे नहीं है, टीवी में डलवाता तो नौकरी चली जाती। भैया मुझे पता चला कि तुम लोग यहाँ हो तो दौड़ा चला आया। इसका चेक आया तभी तू आया ना? नहीं, क्लियर हो गया इसलिए। क्या प्यार है तेरा, उस समय ये प्यार कहाँ गया था? शॉर्ट नहीं शॉर्ट की लड़कियाँ पसंद आती थी। दुनिया में मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, यही कहा था ना। पैसे को देखते ही तू यहाँ पर आ गया। संदीप इसे एक मारने का मन कर रहा है। जरा ये पकड़ दो। एक नहीं दो। इसे पकड़, इसे दो नहीं इसे चार बार। ए अब मार लिया ना, 1,000 रुपए दे दो। चल निकल यहाँ से। एक क्वार्टर तो दे दो, बहुत मार लगी है भाई। क्वार्टर तो क्या, एक ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। चल निकल, चल यहाँ से। ए रुक, मुझे मारता है ये तहल का सुबह राव क्या है बताता हूँ, मैं दिखाऊंगा तुझे। अबे करी तो क्या दिखाएगा? ए, नहीं 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 नहीं, दारू की बोतल मत फोड़ना, किसी गरीब के काम आए। निकल मेरे जैसे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, एक दिन बदला जरूर लूंगा। ये नमूना यहाँ क्या रखा है, क्या चाहिए भाई तुझे? हाँ इस डंडे को उठा के, इससे मैं क्या करूं? तुम्हारे सर पे दे मारूं? तुम मारने के पैसे दोगे? वंडर वंडर, उन लोगों ने मार के पैसा नहीं दिया, तुम मार खाने का पैसा दे रहे हो। रियली यू आर ए ग्रेट मैन, तुम्हारा फैसला एकदम सही है, इस फैसले को मैं पूरा करूंगा। भगवान आपको जन्नत नसीब करे। ये कौन है तू? आधी रात को मेरे बाप को मार के उसका पैसा हड़पना चाहता है? बाप को अकेला समझ रहा था क्या? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं इन्हें पैसे के लिए थोड़ी मार रहा हूँ। तो फिर देश के लिए। लाइट हला। धोखा, यहाँ भी मेरे साथ धोखा हो गया। क्या रे, मैंने तुझे डंडा यहाँ रखने से मना किया था ना, नसीब ही खराब है। मैंने आपका बिगाड़ा क्या है, सबको बुला बुला के खुद को मारने को बोलते हो। क्या सर, क्या ढूंढ रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं सर? मैं कुछ भी करूं मेरी मर्जी, ये कुर्ता मैं ऐसे फाड़ दूंगा, तेरे से मतलब? मेरी बोतल रखी थी तूने पी ली क्या? मुझे पीने की आदत नहीं है। पीने की ना हो, शायद बेचने की हो। अरे छोड़ो ना सर। चलो ना काम कर। यूजलेस फेलो। ए सुनो। क्या सर? इस फाइल में पुलिस की हिट लिस्ट में आने वाले चोरों के नाम है। शनिवार तक इसको एडिट करके तैयार करके रख। ओके चल रख दे, कर दूंगा। हसीनू क्या कर रहे हो? सर पुलिस की फाइल से चोरों का प्रोग्राम एडिट कर रहा हूँ। हाँ वो बाद में करना, ये कल सिटी में होने वाले मेयर इलेक्शन से रिलेटेड फाइल है। पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन है, उनके फोटो, सारी जानकारी इसमें है। इसे संभाल के एडिट करो, सुबह 7 बजे के न्यूज में हम इसे टेलीकास्ट करेंगे। इसे MD ने भी खुद चेक करके भेजा है, कोई गलती ना हो। ठीक है सर। Got it. क्यों रे नेपाल, मुझे मारा था, इसके पास 4 पैसे आ गए तो उछलने लगा, इसकी लाइफ की वाट लगा दूंगा मैं। कल से ये चोर नंबर 1 और इसके पीछे पड़ जाएगी पुलिस। अब देखना बेटा तू अनाथ हो जाएगा। दोनों को अलग करता हूँ। डैडी आप पहले मेरी बात सुनिए। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलो। हाय संदीप। हाय अंकल, आप भी आ गए? अरे अंजलि भी आई है। तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ, बेटे ने तुम्हारे बारे में बताया, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। I am so sorry। आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? अगर सॉरी बोलने का दिल कर रहा है तो उस वेटर को बोलिए। ऑलरेडी इतना वेट किया है, वेटर को सॉरी बोलूं? अच्छा ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलाओ। वो क्यों अंकल? तुम्हारे प्यार के रेड सिग्नल को शादी का ग्रीन सिग्नल देने के लिए। ये क्या शर्माने लगे? अरे यार तुम लड़के होकर लड़की की तरह शर्मा रहे हो। चलता हूँ बेटी, ऑफिस में काम। थोड़ी देर रुकिए ना डैडी। अरे बाप रे, तुम्हारे चक्कर में तो भूल ही गया था। तुम लोग यहीं बैठकर बातें करो, मुझे बहुत काम है, ऑफिस जा रहा हूँ। CNG News में आपका
आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार, शहर में बढ़ती गर्मी, तिरुपति के महोत्सव में भारी भीड़, हैदराबाद में बड़े दंपति की हत्या, शहर में मेयर इलेक्शन के कैंडिडेट्स के नाम घोषित, ठंड से कांपती दिल्ली, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज का फाइनल मैच आज आप देखेंगे। मेयर इलेक्शन में हर पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। केपी पार्टी से प्रताप आए हैं। प्रताप अब तक दो बार लड़कर हार गए हैं, पर इस बार उनका कहना है कि जीत सिर्फ मेरी ही होगी। अधिकार आंध्र प्रदेश पार्टी से के संदीप को चुना गया है। अधिकार पार्टी से संदीप का पहला चुनाव होने के बावजूद उनके पार्टी पर लोगों का विश्वास ही उनको जिताएगा, वे ये कह रहे हैं। सीएम साहब को अपने कैंडिडेट पर पूरा भरोसा है। पार्टी प्रेसिडेंट ने भी संदीप के नाम की घोषणा कर दी है। मैं पहले ही बोल रहा था, टिकट के बारे में सीएम से एक बार खुद ही जाकर पूछ लो, पर आप नहीं माने, नतीजा आपके सामने है। राजनीति में अहंकार का एका, एक बार सीएम से पूछ लेते तो इसमें क्या जाता आपका। अरे नेताजी, आप भी कैसी बात कर रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, भाई ने क्या मांग लिया? भाई के लिए एमपी का टिकट मांगा था कि एमएलए का टिकट मांगा था? अगर टिकट नहीं देना था तो पहले बोलना था ना, हम लोग कहीं और से जुगाड़ कर लेते। अब क्या करेंगे, पूरे शहर में पोस्टर लगाया, इज्जत की तो वाट लग गई। पैसे की लालच में प्रेसिडेंट ये किया होगा। उन दोनों ने मिलकर ये काम किया होगा, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब पब्लिक के बीच में भाई की इज्जत क्या रह जाएगी? पब्लिक में उठना बैठना बंद हो जाएगा भाई। सबक तो सिखाना चाहिए ना भाई। हाँ ये सही कह रहा भाई। चलो भाई चलो, हम आपके साथ हैं भाई। चलो चलो भाई, देख लेंगे उनको। क्या ये सब, इतनी बड़ी गलती? सर, रात को आपके साले साहब ने पीकर एडिटिंग रूम में फाइल बदल दी, इसलिए ऐसा हुआ सर। अकल है तुम लोगों को, सीएम के कैंडिडेट की जगह रोड चलते किसी का भी फोटो डाल दिया। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं बता? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। इट्स ओके। बोल ही रहा था कि टिकट के बारे में सीएम से बात करो, लेकिन तुम अपनी मनमानी करते रहते हो ना। ये क्या चल रहा है? क्यों भाई? मेरे बेटे का टिकट कैंसिल करके उस लड़के को टिकट क्यों दे दिया? उस सीएम को कितना दिया? सीएम सर से पूछ लीजिए। ज्यादा शरीफ मत बन। सीएम कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, मुझे पता है। वो सीएम सर आ गए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? मैं बताता हूँ सर। चावल बेचने वाले को प्रेसिडेंट बनाओगे तो ऐसा ही होगा, एक रुपया ज्यादा दिया तो टिकट बेच देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ये सब मीडिया वालों की मिस्टेक। मीडिया वाले करे या रेडियो वाले करे, मुझे नहीं पता। मेरे बेटे की जगह किसी और का फोटो दिखाकर हमारा कचरा कर दिया। अरे ये सब मीडिया वालों की गलती है, उन्हें बुलाकर सॉरी बुलवाता हूँ। क्या हो जाएगा सॉरी बोलने से? मेरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। मेरे लोग चिल्ला रहे हैं, पार्टी वाले अलग खफा हैं, बोल रहे हैं प्रेसिडेंट को काट डालेंगे। चुप रहिए, इन्हें मैं क्या समझाऊं, आप ही बताइए। देखो मल्लेश, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाओ, वैसे भी तुम्हारी इमेज खराब है। ओह, मेहनत करने वाले हमेशा बदनाम होते हैं। जब पार्टी शुरू की थी तो तेरे पास क्या था? पार्टी को खुली किताब की तरह और बिजनेस को बंद दरवाजे की तरह रखा है। जेब में पैसे नहीं थे, पार्टी में लोग नहीं थे, मैंने जिताया तुझे। ऑफिस, सुविधा, पैसे, लोग सब जुटा कर दिया मैंने तुझे। पार्टी पे गुरूर मत कर, टूट जाएगी पार्टी। मैं नहीं रहा ना तो पार्टी भी नहीं रहेगी। मल्लेश बहुत ज्यादा बोल रहे हो, एक आदमी से कुछ नहीं होता। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर खड़ा कर, इसकी बीवी और बेटे दोनों को खड़ा कर। मैं अपने बेटे को इंडिपेंडेंट खड़ा करता हूँ, कौन जीतता है मैं भी देखता हूँ। चलो रे। और सुन ले, ये मल्लेश कौन है पता है? ये शहर ही नहीं पूरी पार्टी को पता चलेगा, तू देखते रह जाएगा, मेरी बात याद रखना। महेश भाई जिंदाबाद। मल्लेश चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। सीएम साहब की हंसी का मतलब क्या है? सीएम की इस हंसी का बहुत गहरा मतलब है, तुम नहीं समझ सकते। आप बताइए तो सही। अगर इस चुनाव में संदीप जीत गया, मामूली इंसान को टिकट देकर उसे जितवा दिया, ऐसा इनका नाम हो जाएगा। अगर उस महेश ने संदीप को मार भी दिया तो भी सीएम को सहानुभूति मिल जाएगी, इसका मतलब दोनों तरफ से सीएम की चांदी है, यही उनके हंसी का अर्थ है। सर मैं क्षमा चाहता हूँ सर, ये गलती हमसे अनजाने में हो गई सर, किसी नादान ने ये गलती कर दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर, अगर आप कहें तो सर मैं। इट्स ऑल राइट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे वो टीवी वाला लड़का कौन है? वो लड़का मैं जानता हूँ सर। गुड, उस लड़के से जल्दी मीटिंग फिक्स करो। ओके सर। एमडी जी। जी सर। अपनी पार्टी के सारे एड्स आपके चैनल को ही देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड लक। नमस्ते। साले साहब उठो।
जीजाजी गुड मॉर्निंग जीजाजी, ये सब क्या है? मेरे से अनजाने में कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, गलती नहीं, अच्छा ही हुआ। ये क्या सब मेरी विदाई के लिए है? विदाई नहीं, तेरे कारण इस कंपनी का नाम बड़ा है और आमदनी दुगनी हो गई है। तेरे एहसान कैसे चुकाऊंगा मैं? एहसान क्या है जीजाजी? बस एक क्वार्टर हो और उसमें थोड़ा वाटर मिला दो, काफी रहेगा। अरे वाटर की जरूरत है? ये ले पूरी बोतल, दिल खोल के पी, ऐश कर तू। अरे हार किधर है? लाओ। अरे भाई ये ले। मुख्यमंत्री का अंतिम फैसला, संदीप नामक युवक को हैदराबाद मेयर का टिकट और गणेश यादव का टिकट कैंसिल। संदीप, ये बात सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे सीएम साहब जैसे बड़े आदमी ने तुझ पे भरोसा करके तुझे बिना जाने पहचाने मेयर का टिकट दे दिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे चुप कर, एक तो वैसे भी टेंशन में हूँ कि आगे जाने क्या होगा, ये क्या चल क्या रहा है? अरे मेरी समझ में आएगा तो बताऊंगा ना। सीएम साहब आ गए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। ये सब क्या चल रहा है मुझे भी नहीं पता, सोचकर मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। संदीप नाम अच्छा है पर इतने परेशान क्यों? मैं तुम्हें सजा देने नहीं मेयर बनाने आया हूँ। सर मुझे और मेयर की पदवी, मुझे तो राजनीति पता ही नहीं है। जब मैं राजनीति में आया था मुझे भी नहीं पता था, सब सीख लिया। देखो संदीप, राजनीति आजकल बिजनेस बन गया है, लाखों रुपए डाल के करोड़ों कमाने का जरिया बन चुका है आज राजनीति। इसलिए अपनी पार्टी के लिए सच्चा और ईमानदार कैंडिडेट चाहता हूँ। सर लेकिन मुझे तो कोई तजुर्बा नहीं। तजुर्बे की क्या जरूरत है, जनसेवा की सिर्फ एक भावना काफी है। खानदान के नाम पे ये देश स्वार्थियों के हाथ में जा रहा है और ऐसे में इस देश को तुम जैसे ईमानदार नौजवान की जरूरत है। लेकिन सर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया है। तुमने मुन्ना को पकड़वाया ये इंसिडेंट मुझे कमिश्नर साहब ने बता दिया था। हमारे पार्टी ने तुम्हें मेयर पद के लिए इंडिपेंडेंट खड़ा किया है। अरे मान भी जाओ, सीएम जी खुद आए हैं, अब तो मान जाओ। सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे संदीप मान जाना यार, तू मेयर बनेगा तो यहाँ लाइट की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी और मेरे पिताजी को भी अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। सीएम साहब खुद चलकर आए, तू क्या सोच रहा है? सर ये खड़ा होगा सर, क्या बोलते हो? गुड, वेरी गुड। हमारे समस्या को सुलझाने के लिए धन्यवाद भाई। थैंक्स सर। अच्छा अब चलते हैं। ओके। बोलो हमारे मेयर की, 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 मेयर संदीप, 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 मेयर संदीप। रातों रात ये एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे और चारों ओर छा जाएंगे। मेयर संदीप, 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 मेयर संदीप। मुझे अभी के अभी शर्मा जी से मिलना है। तुम अर्जेंटली बुक प्रिंटिंग का काम करवाओ। ठीक है सर। जरूरत पड़े तो इनकी मदद ले लेना। ओके सर। ओके सी यू। ओके सर। चलो अरे जल्दी चलो यार। ए मैंने कहा था ना शर्मा जी कोई मामूली इंसान नहीं है, लेकिन तू नहीं माना। अरे बाप रे, तुम दोनों बोलना बंद करोगे क्या? कोई ना कोई हल जरूर मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, जरा तेज चलाएंगे। शर्मा जी हैं? एयरपोर्ट गए हैं। कब? जस्ट अभी निकले। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस। शर्मा जी कहाँ है? वो तो बेंगलुरु चले गए। आपको अक्ल है कि नहीं इडियट, आप इंसान है कि कुछ और? hey, तुम लोग हो कौन और ये क्या बके जा रहे हो? उस दिन मैंने फोन करके बताया था ना शर्मा जी आएंगे तो फोन करना। ओह ऐसा है, भूल गया था, आई एम सॉरी। सॉरी का अचार डालू?
तुझे तो मैं एक्सक्यूज मी, मैं उनका पीए हूँ, आपका नहीं, समझी? वो 100 जगह घूमते हैं, मेरे पास भी हजारों काम है, मैं क्या करूँ? बात सुनिए सर, हम सब बहुत प्रॉब्लम में हैं, उनसे अर्जेंट मिलना है प्लीज। देखिए, वो एक इम्पोर्टेंट काम से बैंगलोर गए, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। वो इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने मुझे फोन किया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलता हूँ मैं। अब क्या होगा यार? पता नहीं यार, पता नहीं वो कहाँ होंगे, जब तक वो फोन नहीं करते तब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। बैंगलोर में वो कहाँ है मैं एड्रेस पता करने की कोशिश करती हूँ, चलती हूँ। I am Raijira from Bhiwandi. क्यों भाई ऐसे देख रहे हो? सीएम साहब ने भेजा है, आज से आपके प्रोग्राम को मैं ही देखूंगा। Anytime, anywhere, any help, Raijira is here. ये Raijira क्या है? You know Methi? He is my small brother. He is garam masala. You know Golmirch? He is my biggest brother. He is from Kerala. Of course, Long is our parents. Masala family. Sir, मेरा नाम बोस है, सुभाष चंद्र बोस। सीएम का पर्सनल ड्राइवर हूँ, मुझे भी सर ने भेजा है। किसी ने तेरे बारे में पूछा? इनसिक्योरिटी हो रही है सर। सर, मैं आपके सिक्योरिटी के लिए आया हूँ सर। सिक्योरिटी? यस। शक्ल से तो एटीएम का चौकीदार लगता है, ये क्या सिक्योरिटी देगा, यही सोच रहे ना आप? शट अप। सर, मैं मिलिट्री का जवान रह चुका हूँ सर। आई वर्क 7 years इन मिलिट्री। फिर छोड़ क्यों दिया? इसने मेडल के लिए बहुत ट्राई किया, मेडल तो नहीं मिला, आर्मी से निकलना पड़ा। ये सब फालतू की बातें हैं सर। आपको जब भी हेल्प की जरूरत हो, Raijira को आवाज देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेयर बनने के बाद वो कुछ भी बोलो सब चलता है, मेयर बनने से पहले बस इनकी थोड़ी इज्जत कर दो। मोटू, जा यहाँ से, आइए सर। चलिए। कांग्रेट सर, कमाल कर दिया। क्या बात है, क्या निशाना लगाया है, वरना ये मवाली और इसका गुंडा बाप सीएम से जवान लड़ाते हैं, खुद को पार्टी बोलते हैं। एक बार और मारो सीने में। 7 साल मिलिट्री में थे ना, तुम ट्राई करो। अब वो क्या है कि छोड़िए ना सर। अरे भाई, आप मिलिट्री में थे ना, हम लोगों को एक निशाना तो दिखाओ। असल में वो प्रैक्टिस छूट गई है ना, कहीं निशाना चूक गया तो आज कचरा होगा तेरा। मुंह बंद करे। ये क्या भाई, मिलिट्री के नाम का कचरा कर रहा हूँ, उठा चाकू, लगा निशाना। हाँ लगाओ लगाओ। चुप करो सर, आप मारिए ना, आप तो 30 मार खाने। वही तो प्रॉब्लम है, लाओ चाकू दो। हाँ दो, जरा पीछे हटना, चलो हटो। अरे जल्दी कर भाई, बहुत सारे वेटिंग में हैं। डालता हूँ ना सर, निशाना लगा रहा था। अरे चाकू कहाँ गया है? अरे कौन है, किसने मेरे मुर्गी को मार डाला? भगवान उसके कभी भला नहीं करे, भगवान उसके बच्चे उसका खून पिए, कीड़े पड़े। कौन से गांव का है? उसका कभी भला नहीं होने वाला। फोन 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 फोन। हेलो, हटो हटो हटो। हेलो, एक बार मारो ना भाई, एक बार मारो ना भाई। ये चाकू इस गुंडे के सीने में घुसना चाहिए। अरे नहीं यार, मेरा आज कोई मूड नहीं है, मुझे छोड़ दो। अरे क्या भाई, सब लोगों ने ट्राई किया, आप भी ट्राई करो ना। अरे छोड़ना यार, ये सब इतना बोल रहे हैं तो फिर एक बार निशाना लगा दे। पैसा बाद में देता हूँ ना। ठीक है भैया। अबे ये तूने क्या किया, चाकू थोड़ा इधर होता तो मैं तो गया था काम से। बहुत सही, 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 बहुत सही,
हेलो अंजलि, मैं हूँ। मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। शर्मा जी जैसा बोले थे वैसा ही हो रहा है। आज मेरे हाथों से कोई मरते मरते बचा। तुम्हें उनका एड्रेस मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, मैं अभी भी बहुत कोशिश कर रही हूँ। वो पीए फोन उठाता ही नहीं है। तुम टेंशन मत लो, ओके? डोंट वरी। ए, अरे कुछ नहीं होगा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? एक काम कर, रूम में जाके आराम कर। अरे नहीं यार, तू जाके आराम कर, चल जा। हेलो, तेरा फोन सुने तो काफी टाइम हो गया ना, यहाँ पर क्या सुन रहा है? कुछ नहीं सुना सर। फिर क्या कर रहा है यहाँ? आपको कुछ हेल्प चाहिए तो? कोई जरूरत नहीं, जाके अपना काम कर। अच्छा ठीक है सर। सर सर सर, शर्मा जी का बेंगलुरु में क्या है? तो फिर पहले क्यों बोला कुछ नहीं सुना? मैंने नहीं सुना सर, कान ने सुन लिया। ये बताइए शर्मा जी कौन है? शर्मा जी को नहीं जानता। नहीं सर। मणि शर्मा, वो वाले म्यूजिक डायरेक्टर, वही शर्मा। हाँ भाई, अपनी पार्टी की जीत के लिए म्यूजिक तैयार कर रहे हैं मणि शर्मा जी। उनको नहीं जानता? तुझे मैंने सारा प्रोग्राम समझा दिया है ना। अब अर्जेंट वहाँ जा, शाम को यहाँ आने को बोल। म्यूजिक सेटिंग अंदर है, समझ में आ गया ना? चल जा, हाथ मिलाइए। थैंक यू। मणि शर्मा, मणि शर्मा। हेलो, हेलो, मणि शर्मा बोल रहे हैं। नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ रायजीरा, एनी टाइम एनी वेयर एनी हेल्प सर। कौन बोल रहे तुम? सीएम का पीए बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी का म्यूजिक बना रहे हैं ना, म्यूजिक झकास बनाइएगा। ढक्कचिका ढक्कचिका ढक्कचिका। सर क्या है कि मैं भी अच्छा गाता हूँ सर, एक बार टेस्ट ले लीजिए। तेरा? सर एक बार मौका दीजिए ना सर, मैं अपनी पार्टी के लिए गा दूंगा। प्लीज सर, थैंक यू सर। सर 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 सर, आपके लिए कार भेजता हूँ सर। सर आप नहा दो यार। स्टूपिड बोला, ये क्या हो गया यार? लगता है मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। देखता हूँ क्या यार, छह महीने रिलैक्स करना चाहता था, लेकिन लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो रहा है। आज सुबह अंकल को चाकू लगते लगते बच गया। उनका टाइम बहुत अच्छा था इसलिए बाल बाल बच गए, और ऊपर से ये लोग मुझे मेयर बनाना चाहते हैं। अरे तो तुझे उस दिन सीएम को मना कर देना चाहिए था। जान से मार डालूंगा साले, तूने तो उस दिन हाँ किया था। मैं कुछ भी कहूंगा तो तू मान जाएगा क्या? चल अब ये सब छोड़, चल तू एक पैग लगा। असल में मैं किसको मारूंगा ये पता नहीं, और तू है कि पैग मारने के पीछे पड़ा है। शर्मा जी का पता चलते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ए, अपनी वो सारी बातें वो राय सुन रहा है। ये केले का छिलका दरवाजे के बाहर फेंक फेंक। नहीं गया, अब ये दूसरा छिलका भी फेंक। इसे दो छिलके मारे तो भी नहीं गया। आइडिया। चोर 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 चोर, पकड़ो से, चोर चोर। भाग गया भाग गया। अरे अरे राय इतना चिल्ला रहा था कहीं ऊपर तो नहीं चला गया? अबे चुप कर। हेलो, अंजलि जी बोल रही हैं? हाँ सर। शर्मा जी के बारे में आप ही ने पूछा था ना? जी हाँ। मैं शर्मा जी का पीए बोल रहा हूँ। शर्मा जी होटल बेंगलुरु इन में रूम नंबर 202 में रुके हैं। उन्होंने मुझे फोन किया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था वो कब तक रुकेंगे। आप जाकर मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। नाक पे क्या हुआ सर? सिक्योरिटी के काम में ये सब होता रहता है बाबू। बहुत ढीला सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा राय साहब, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? मानिकपुर जाना है उनको सलाम करने के लिए, उसके बाद सीएम के प्रोग्राम में जाएंगे। ओह, नमस्कार घर को करना है आदमी को? घर में रहने वाले इंसान को। घर बंद हुआ तो? बगल वाले को करेंगे यार। अगर बगल वाले का बंद हुआ तो? तेरे को नमस्कार करता हूँ, तू गाड़ी चला। हेलो हेलो, अरे मैं अंजलि बोल रही हूँ। वन सेकंड, तेरे लिए। हेलो संदीप, शर्मा जी बैंगलोर में ही रुके हैं। हाँ। तुम इमीडिएटली मेरे ऑफिस आ जाओ, हम यहीं से बैंगलोर चले जाएंगे। हाँ ओके, मैं अभी आता हूँ। किसका है सर ये फोन? मेरा ही है, 4000 का खरीदा था। मुझे हंसी आ रही है। हाँ सर, इतनी मार खाने के बाद भी नमस्कार करोगे क्या? ये जरूरी होता है यार। ओ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। राय जीरा, एनी टाइम एनी वेयर एनी हेल्प, मुझे बुलाइए मैं आ जाऊंगा। गाड़ी रोको, दो आइसक्रीम लेके आओ। अभी? हाँ अभी चाहिए, जल्दी जाओ। ओके। सर अब क्या हुआ? फूल लेकर आऊँ या कप लेकर आऊँ सर? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कप अच्छा होता है सर, क्योंकि वो ऑफिशियल लगता है। तो फिर फुल आइसक्रीम लेके आओ। ओके। तुम चलो। ये क्या, मुझे छोड़कर चले गए? ए ऑटो ऑटो।
तू अकल से पैदल है क्या? मुझे रोड पर छोड़ के चला आया? ए, गाली क्यों दे रहे हो? सर ने बोला इसलिए तो आया मैं। सर बोलेंगे तो कुएं में कूद जाएगा, तूने मुझे वहाँ छोड़ दिया, अपने आप को समझता क्या तू? ए, अगर तूने दोबारा ऐसा किया ना तो सीएम से बोलकर तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। सीएम जी ने कहा है वो जहाँ बोले वहीं जाना। चलिए सब छोड़ दे, वो लोग कहाँ गए? उस तरफ गए। यही पर क्या यार, ये तो पीछे ही पड़ गया है, टाइम निकल जा रहा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ से बैंगलोर जाती हूँ, शर्मा जी से बात करके तुम्हें तुरंत फोन करती हूँ। ओके ओके ना, गुड आइडिया, चलो। ये लड़की इतनी अर्जेंसी में क्यों गई? इससे तुम्हें क्या करना है? आइसक्रीम का है? कौन सी आइसक्रीम सर? आपकी वजह से मेरे पूरे प्रोग्राम की वाट लग गई। असल में कोई भी प्रॉब्लम हो ना सर, एनी टाइम एनीवेयर एनी हेल्प मुझे बुलाइए। और वो सीएम है ना, वो भी तो हमारे साथ हैं। तू और सीएम ही हमारी प्रॉब्लम है। क्या मतलब? और नहीं तो क्या। चलो ये सब छोड़ो, अंदर बैठो। चलो सर, मैं भी चलूँ क्या? अरे लंबा हो गया ऊंट की तरह, पूरा गंदा है, दिमाग से बैल है, कुछ कह के कोई फायदा नहीं। चल गाड़ी चला, चल ऑटो। तो क्या बेवकूफ आदमी है। Excuse me. Yes, sir. I am checking out. Just a minute. It's okay, sir. Happy journey. Thank you. Excuse me. Yes. Dr. Sharma from Hyderabad, room number 202. Just now he vacated, ma'am. Do you have any idea where he's gone? Sorry, ma'am. Hello. Sharma ji ke PA Naveen bol rahe hai na? हाँ बोल रहा हूँ। शर्मा जी ने अभी ये होटल चेकआउट किया है, आपको कुछ आइडिया कहाँ गए? सर मैसूर के किसी विलेज में कुछ काम के लिए जाने वाले हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं। शायद कल सुबह मुझे फोन करेंगे। कल सुबह फोन करेंगे? हाँ मैडम। हेलो, अंजलि बोल रही हूँ। बोलो। शर्मा जी बैंगलोर से निकल गए हैं, उसके बाद कहाँ गए होंगे कुछ पता नहीं है, तुम्हें कुछ आइडिया है क्या? आवाज मत कर। मेयर संदीप जिंदाबाद। सोते में भी बुढ़े को पता नहीं हम कितनी आए हैं। ये इसे पिला दे। तू ही पिला। अरे तू इसे जहर थोड़े ना पिला रहा है। चल पिला। लुढ़क गया काम से, लुढ़क गया। संदीप नेपाल इधर आओ जल्दी, देखो क्या हो गया। संदीप नेपाल जल्दी नीचे आओ, आओ ना। क्या हुआ, ससुर जी निकल लिया क्या? ससुर जी, ससुर जी, चल। ससुर जी गोविंदा की तरह डांस कर रहे हैं। वाह। अरे संदीप तू तो मेरे लिए भगवान है रे, तेरे मन में मेरे पिताजी के लिए इतना प्यार था, मुझे मालूम नहीं था। मेरे भाई रात को तूने मेरे पिताजी को कोई दवा पिलाई थी ना, वो बता रहे थे, सुबह से उठ के डांस ही कर रहे हैं। तू कैसे जानता है? बोला ना, पिताजी ने मुझे बताया। लेकिन हमारी बोलती बंद हो गई। अरे संदीप तू तो मेयर बनने के पहले ही लोगों का भला कर रहा है रे, मेयर बनने का तो जाने क्या क्या करेगा मेरे भाई। आज से मेरे पिताजी का सिर्फ एक बेटा नहीं है, तीन तीन बेटे हैं। तेरे पिताजी तो डिस्को भी करने लगे। डैडी डैडी
ये मरा क्यों नहीं है? मुझे भी पता नहीं, हमने तो बुड्ढे को जहर पिलाया था, जहर अमृत कैसे हो गया? कोई बात नहीं, दूसरा आइडिया है मेरे पास। चुप कर, अब बहुत हो गए तेरे सारे आइडिया, चल। अरे मेरी बात तो सुन। इसीलिए तुम लोग ने मुझे बैंगलोर से बुलाया ना? तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को पता भी है? मेरी बात तो सुनो अंजलि। तुम कुछ मत बोलो। अरे मुझे बोलने तो दो अंजलि, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। सॉरी। सुनो, तुम लोग जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। आई एम सो सॉरी। अंजलि, अंजलि। सर, वो मैडम इतने गुस्से में क्यों थी? क्यों, तुझे क्या करना है? बताऊं? नहीं नहीं, जाने दो जाने दो। सर, यू आर रियली ग्रेट सर, आपने उस बुड्ढे को बचा लिया। 70 साल की उम्र में भी कितनी एनर्जी है उसके अंदर। असल में उसके जितनी एनर्जी तो हमें भी नहीं है सर। हमें है, तुम में नहीं। सही बोल रहे सर, एकदम सही। सर, आप इतना बड़ा काम करने वाले हैं, फिर भी आप टेंशन में क्यों हैं? एनीवेयर, एनी टाइम, एनी हेल्प, मिस्टर राइजीरा इज हियर। वैसे बात क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए? कुछ नहीं सर। क्या बात है करके पका रहे हैं आप? कल नॉमिनेशन का दिन है, मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ रहने के लिए मुझे कहा है। कल 10 बजे आप तैयार रहिएगा। बोल दिया ना, अब चलो ना यहाँ से। चल पहले तू फुट ले। चलो, ये भी एक नमूना है। हेलो, नवीन जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। सर ने फोन किया था क्या? नहीं, सर ने मुझे कोई फोन नहीं किया। शर्मा जी के हैदराबाद आते ही इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करेंगे प्लीज, थोड़ा अर्जेंट मैटर है। टेंशन मत लीजिए, उनका फोन आते ही मैं आपको फोन करूंगा। थैंक यू। वेलकम। बहुत सुंदर है, ये मैं उठा लूं? पहली घटना में ही ये यकायक लखपति बन जाएंगे। रातों रात ये एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाएंगे और चारों ओर छा जाएंगे। न चाहते हुए भी किसी मासूम की हत्या कर दोगे। और रुकती तो गमला सर पर गिर जाता, इस बच्ची की जान चली जाती। तू ऐसे देख क्या रहे? नसीब अच्छा था इस बच्ची का जो ये बच गई। संदीप कहाँ जा रहा है? क्या हुआ रे? शर्मा जी के बोलने के मुताबिक लास्ट डेट कल है। मुझे डर है कि मेरे हाथों किसी का मर्डर ना हो जाए। मेरे पास तो सिर्फ एक अंजलि और तू है। अगर तुम दोनों को कुछ हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अरे पागल, क्या बात कर रहा है? हम सबको कभी ना कभी तो मरना ही है। वैसे भी तू जैसे दोस्त की वजह से मरूंगा तो मेरे लिए नसीब की बात होगी। लेकिन एक बात तो सच है, विधि का लेखा सच होता है लेकिन दोस्ती से बढ़कर नहीं। तू कहीं भी मत जा, यहीं रह। नहीं यार, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई? भाई ये मर जाएगा, मर जाएगा। भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। भाई अब टेंशन मत लो भाई, कुछ भी हो जाए संदीप नहीं जीतेगा। हमने जाकर देखा है भाई, हम लोग कल ही जाकर नॉमिनेशन कर देंगे। किसका नॉमिनेशन करेगा? वो साला आज तक जिंदा है तुम लोगों की वजह से। अगर उस दिन उसे मार देता तो आज ही दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने भी छोड़ दिया उसे। बेटा दिल्ली से फोन है, तुम्हारे पापा लाइन पे हैं। हेलो। अरे गणेश क्या कर रहा है रे? बोलिए। मैं कल दिल्ली से वापस आ रहा हूँ, तब तक उस सीएम के कैंडिडेट के साथ कुछ भी मत करना। कुछ गड़बड़ किया ना तो काम खराब हो जाएगा। दिल्ली से गुंडागिरी करके दिल्ली पहुँचा हूँ,
एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। जल्दबाजी में कुछ किया ना तो लाइफ खराब, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। है, है। तुझ जैसा इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, कल मर्डर करके तू जेल चला गया तो मेरी बेटी का क्या होगा? अंकल मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत टेंशन में हूँ, हमें जल्दी से शादी करनी है। अंजलि चलो। ए, आज छोड़ इसका, मेरी बात नहीं समझ रहा, जबरदस्ती करता है, चल निकल यहाँ से। क्या निकल यहाँ से, चल निकल। अंकल मेरी बात तो सुनिए, अंकल मेरी बात समझता, अंकल मैं कुछ नहीं सुन रहा, अंकल मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए तो, बोला ना जा यहां से, जा यहां से। अरे अंकल मेरी बात तो सुनिए ना आप। अंजलि जी, मैं शर्मा जी का पीए बोल रहा हूँ। सर आप हैं? शर्मा जी कहाँ हैं? वो आज सुबह ही मैसूर पहुँचे। वहाँ कहाँ पर? वहाँ गांव के एक मंदिर में हवन करवाने वाले हैं। हाँ एक और बात, वो वहाँ सिर्फ 12 बजे तक रुकने वाले हैं, उसके बाद दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। तुम अगर जल्दी जाओगी तो मिल लोगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, मैं अभी जाती हूँ। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हूँ अंजलि, आरती तो ले लो। देखो गणेश, मुझे जल्दी जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। ए, 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 चलो छोड़ो इसे, जाने दो, इसे नॉमिनेशन करना होगा। ए तू जा। देखो गणेश, मैं किसी नॉमिनेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इससे पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तेरे को क्या प्रॉब्लम होगी, फोकट की पब्लिसिटी, सीएम का सपोर्ट भी है, साथ में चिकने चमे। इस लड़की को गाड़ी में बिठाओ। अंजलि अरे भाई भाई उठो उठो उठो, गाड़ी स्टार्ट कर। Yeah.
शर्मा जी का वो देखिए क्या का ढूंढो उसे वाधिकारस्ते माफलेषु कदाचन चलो शर्मा जी कब चली जज साहब, मेरा नाम समुद्रलाल मरकंड शर्मा है। हैदराबाद विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग में प्रोफेसर हूँ। लाखों लोगों का भविष्य देखकर उन्हें बता चुका हूँ, उसी तरह मैंने अपना भी भविष्य देख लिया है। शनिवार के दिन 56 वर्ष की आयु में महीने के 10वें दिन मतलब अप्रैल 10 को 12:10 पर सबके सामने भगवान के सामने मेरी मौत लिखी हुई है। ये विधि का विधान है और इसे कोई नहीं बदल सकता। जिसके हाथों में मारा जाऊंगा मैं उसका भी भविष्य देख चुका हूं। इस मौत का जिक्र मैं अपने पुस्तक महासंकल में भी कर चुका हूं, और वो मेरे मौत के बाद ही प्रकाशित होगी। इससे ज्योतिष शास्त्र पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और युवा पीढ़ी को ज्योतिष शास्त्र का महत्व पता चलेगा, और ये बात सारी दुनिया को पता चले। ये पत्र मेरा बयान समझ कर संदीप को बेकसूर मान लिया जाए और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। डॉक्टर शर्मा जी के बयान के मुताबिक उनकी हत्या का जिम्मेदार संदीप नहीं है। शर्मा जी की हत्या एक एक्सीडेंट है, इसीलिए अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है।